इनसे लाइट भी नहीं पकड़ेगी तो कैमरा खाक पकड़ेंगे। ओए होए ओए होए आग लगा दी भाई। सब यहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई अलग से बैठा हुआ। 5 मिनट को अकेला छोड़ दे, यो दिन को देखेंगे कैसे सोएंगे कराटे लेके। हेलो जी, वेलकम टू अनदर फूड ब्लॉग। भैया इस वक्त आपको पता है सर्दी है आ गई है। वैसे कराची में ऐसे सर्दी नहीं है, बट स्वैग के लिए जैकेट पहनी हुई हमने। कहना ही ये था, अक्सर लोगों की फरमाइश आती है कि भाई फिश कवर करें सूप कवर करें, तो हम कोशिश ये करें इन सर्दियों में हम ज्यादा से ज्यादा सी फूड कवर करें। तो अब हम एक बड़ी मशहूर स्पॉट पे आ गए हैं जिसका नाम है कल्चर फिश हसन स्क्वायर। यकीनन आपने देखा होगा जब भी आप जाते होंगे एक तरफ आप देखते होंगे बड़ा रोशनी हो रही होती होगी और रश लगा हुआ रहता होगा, तो भाई वो रश होता है कल्चर फिश पे। और माशाल्लाह क्या वैरायटी है इनके पास। तो हम आज एंजॉय करेंगे फिश, आप एंजॉय करें व्लॉग। भैया यहाँ पे तो मुझे बहुत ज्यादा फिश इस वक्त नजर आ रही है, सुरमई भी नजर आ रही है, व्हाइट पापलेट भी है, ब्लैक पापलेट भी है, ईरानी पापलेट भी, ऊपर आप व्हाइट कलर की देख रहे हैं ईरानी पापलेट भी है। ये भाई ये पूरी ये घिसर है, हीरा अभी फिंगर फिश भी है, बस यू नेम इट आपको वो इकसाम मिलेगी। समंदरी मछली, ओह और क्या टेस्ट है, वाह भाई वाह वाह क्या बात है। ये आया, ओए होए ये भर दिया भाई मसाला। अच्छा भाई इस वक्त हम लोग तो पहुंच चुके हैं ऑन टाइम, शफीक भाई भी पहुंचे हैं, बाबा भी कैमरे पे। अभी हम लोग जो वेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हसन का, हसन और आसिफ ये दोनों नहीं पहुंचे हैं। इनको हमने बोला था भाई टाइम पे पहुंच जाना। यहाँ का भी मसला ये है कि वीकेंड है और वीकेंड में अभी ये थोड़ी देर के बाद आपको ये जितना रश दिख रहा है ना ये सब खत्म हो जाएगा। लास्ट टाइम यही हुआ था हमारे साथ, तो इसी वजह से आज थोड़ा सा हम लोग जल्दी आए हैं ताकि हमें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फिश है ना वो हमें खाने को मिले, क्योंकि वरना यही होता है कि यार पूरी जो है ना छाटी हो चुकी होती है बल्कि बचता ही कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला बस अभी वेट ही कर रहे हैं वो लोग आ जाए, जब तक हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ अपने लिए रिजर्व करवा लें यहाँ पे। ओए होए ओए होए आग लगा दी भाई। माशाल्लाह भाई देखे आपको पता है कि हमने पहले ही बोला था जो फिश खाते हैं ग्रिल्ड खाते हैं, अगर ग्रिल्ड का ऑप्शन नहीं तो हम नहीं वहाँ पे मौजूद, और यहाँ पे ग्रिल्ड का ऑप्शन और मैसिव ग्रिल्ड माशाल्लाह। सिर्फ देखे ना प्रॉन्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये कौन सी फिश है, फेवरेट है रेड स्नैपर, और ये कौन सी है सर वहाँ डांगरी लगा हुआ है, वो डांगरी और ये रेड स्नैपर, ईरानी पापलेट लगा हुआ कोने पे, और ये है रेड स्नैपर और ये प्रॉन्स लगे हुए। और भैया अगर आप कल्चर फिश आए हैं तो एक चीज इनसे मांगना मत भूलिएगा, वो ये कि इनकी एक होती है मसाले वाली मिर्च और ऊपर से इनका एक अलग से मसाला देते हैं। वो जो मसाला होता है ना उसकी क्या गेम है, देखे चटनी तो हर कोई बना रहा होता है, वो जो मिर्चें होती है मसाले वाली और जो मसाला होता है उसका जो गेम है वो आपके टेबल पे होना बहुत जरूरी है। क्यों शफीक भाई सही कह रहा हूँ, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? देख रहा हूँ बेटा, ये हमारा ऑर्डर नहीं है, ये किसी और का ऑर्डर है। शफीक भाई सोच रहे थे कि एक निकाल के खा लेंगे क्या पता चलेगा। भाई ये सब रेडी है और ये सब टेबलों पे जाने के लिए तैयार है माशाल्लाह। रश बे इंतहा है फिर भी जैसे तैसे माशाल्लाह से मुझे मौका मिल रहा है शूट करने का। सब ग्राउंड रेडी है, ये सब सर्व होने जा रहा है माशाल्लाह, ये भी सब रेडी है, ये भी सब सर्व होने जा रहा है। तक देखें वहाँ तक माशाल्लाह से उसका तो रश ही नहीं है, सर्दी की आमद आमद है तो हाँ जगहों पे ऑटोमेटिकली रश। ये भाई खास तौर पे आना जा रहे हैं वीडियो में, भाई बेहतरीन फिश है यहाँ की, बेहतरीन फिश है ये, कह रहा है भाई थैंक यू। जनाब आपने देखा माशाल्लाह से कल्चर फिश पे इंतहा से ज़्यादा माशाल्लाह से रश है, जाहिर सी बात है रश वहीं होता है जो लोग जायके देते हैं। कल्चर फिश के ऑनर से सलीम भाई, सलीम भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
होटल का जो नाम है कल्चर विश का नाम से रखा गया, और मेरा टाइम हुआ अभी 9 साल। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ज़बरदस्त। मेरा डांगरी बोनलेस, शुरू में डांगरी बोनलेस है, उसके बाद रेड सन पर जिसको इरा कहता हुआ है, उसके बाद ईरानी पापुलेट है, उसके बाद आपको व्हाइट कुंद है, उसके बाद सुरमाई है, उसके बाद व्हाइट पापुलेट है, दोतर है जिसको डामा गिसर कहते हैं, डामा गिसर उसको अरबी में अमोर भी कहते हैं, जिंगा है, पुरान कड़ा है, पुरान बारबिको है। सबसे जो ज्यादा यहाँ का जो मार्केट है जो पसंद करता कस्टमर वो डांगरी बोनलेस बगैर कांटे का ग्रिल होता है। अच्छा भाई मुबारक हो, मुबारक हो। आप देख सकते हैं आप लोग कितनी देर से माइक ले जाओ यार, हम जो कुछ बोलना माइक पे बोले यार, हम जो ना थोड़े काम से गए हुए थे। एक बंदे ने आज माशाल्लाह क्या शॉट्स लिए हैं, माशाल्लाह वीआईपी मेहनत की, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी शॉट्स वो बंदे ने आज वो बंदा है हलाल करके खाया खाना। सारा व्लॉग आज तक जितना भी आपने देखा है ना वो इस भाई की और इस भाई की मेहनत है, मगर एक बंदा आज मेहनत कर रहा है, हलाल कर रहा है। वो सब तो ठीक है मगर ये क्यों नहीं कुछ करते हाँ? इनको एक दफा बोला कि लाइट पकड़ लो, इनसे लाइट भी नहीं पकड़ेगी तो कैमरा खाक पकड़ेंगे। क्या देखो यार हमारा काम नहीं है ना लाइट पकड़ना, लाइट पकड़ने का। एक मिनट एक मिनट, कैमरे के ऊपर लाइट लगी हुई है ना तो कैमरा कौन पकड़ा यार, जो कुछ बोलना माइक पे बोले। मसला एक बार ये हुआ, मुबीन ने इनको बोला था कि यार एक शॉट ले लो, तो मुबीन का इतना शॉट आया था मुंह गायब। ये मतलब ये सिर्फ सीना शूट कर रहे हैं। अच्छा भाई अच्छा रिकॉर्डिंग है कि आप लोग हो गए लेट, अब लग रही है भूख, बैठेंगे क्योंकि जगह नहीं है भाई। अब सबसे पहले तो जगह देखनी है और फिर ऑर्डर करना है, क्योंकि एक दो आइटम है जो उस दिन नहीं थे आज है तो वो भी ऑर्डर करते हैं। चलो भाई बहुत ही आला भाई, बहुत ही आला। क्या बोलते आसिफ भाई? माशाल्लाह भाई ये ऐसी भूख लगा रहा है कसम से। क्यों नियत लगा रहे हो, क्यों नदीदा आदमी? तेरी जो ये जो रूखा रूखा जो गोश्त बनेगा ना ये या कच्ची खा लेता है, कच्ची खा जाएंगे, कच्ची खा जाएंगे। वो देखो पीछे देखो, ये देखो अब बोल समझ जाएगा। ये बैठ गए खाना खाने, बैठ गए ये सब यहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो एक अलग से बैठा हुआ बता। भाई आज का जो ऑर्डर है ना वो मैं देने वाला हूं, वो ये देने वाले हैं और तबाही ऑर्डर होने वाला है माशाल्लाह। ठीक है, जो जिंगा कढ़ाई जो हमने पिछली बार टेस्ट की थी ना इनकी, अरे भाई जिंगा मतलब मैं लिटरली फैन हूं, लिटरली फैन माशाल्लाह। भाई जिंगा कढ़ाई तो आप कर दें, पिछली बार आपने कितनी खिलाई थी हमें? बस इस बार आप किलो कर दें, दो फ्लेवर वाले। ठीक है भाई, कह रहे हैं कि ईरानी पापलेट हमें टेस्ट कराएंगे तो इस बार ईरानी पापलेट खाते हैं। हाँ ये तो सारी चीजें खाई है, ईरानी पापलेट कभी टेस्ट नहीं की यार। ये भाई ने कह दिया तो मतलब आएगा, मजा आएगा। 25 मिनट में हमारा ऑर्डर हमें ग्रिल पे मिल जाएगा, तब तक जो है ना हम शफीक और बाबा को मिर्ची खिलाते हैं। अच्छा जैसा कि मैं बता रहा था ना आप लोगों को, देखो ये लवाजमत पहले ही आया था, एक तो ये चटनी है तो चटनी में मैं ज्यादा रिव्यू नहीं दूंगा, हालांकि ये भी अच्छी है, बट असल जो गेम है ना वो है इस मसाले का, ये जो भुना हुआ मसाला है ना इनका। ओए होए ये देखो मजेदार, क्या मसाला है। तो भाई ये जरूर इनसे मांगा करें, खैर ये हर टेबल पर रखते जरूर है, बट फिर भी इनके मसाले का गेम और जो मिर्चें हैं ना वो भी आएंगी थोड़ी देर के बाद, आप देखिएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बगैर ये टेबल जो है ना इनकम्प्लीट है। अभी थोड़ी देर के बाद देखिए हमारा ऑर्डर आने वाला है तो इंशाल्लाह ताला शफीक भाई बेहोश होने वाले हैं, अभी सो गए थे। मोए 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 शफीक भाई जरा यूथ को कोई मैसेज दीजिए। क्या हुआ, मैसेज दें कुछ यूथ को? इनका घर का यूथ बिगड़ा पड़ा है। नहीं कुछ तो मैसेज दें यूथ को, कुछ तो यूथ आपको। एक मिनट सारे मिल गए। तो यूथ को कुछ मैसेज दें प्लीज, प्लीज कुछ तो बोलें आप। मेरे को मैसेज देने की जरूरत नहीं है, यूथ को समझदार। 5 मिनट को अकेला छोड़ दें, यूथ इनको देखेंगे कैसे सोएंगे कराटे लेके। पूरा यूथ देखेगा इनको सोते हुए। अरे भाई फाइनली हमारे पास ओए होए प्रॉन कढ़ाई और ये मसाला और आ गया भाई, और आ गया मसाला, ये मसाला वहाँ पे पहुँचा देते हैं। ये जो प्रॉन कढ़ाई है ना 2 दिन पहले खा के गए और कल हसन अपनी फैमिली के साथ खा के गया है, तो हमने बोला भाई आज भी हम ये प्रॉन कढ़ाई ज़रूर बनाएंगे और आप इसका जो गेम है ना बॉस आज भी इंशाल्लाह ताला वैसी होगा होपफुली। ये टिपिकल कढ़ाई नहीं है इनकी, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं ना वो टमाटर वाली या दूसरी वाली जो एक शिमारी कढ़ाई होती है, ये वाली कढ़ाई नहीं है, पिशावरी कढ़ाई है, ये डिफरेंट एक कढ़ाई है। इसका जो टेस्ट है ना मैं डिफाइन नहीं कर सकता बट बड़ा यूनिक सा टेस्ट है जो और बड़ा टेस्टी है।
तो ये चीज है इनकी कढ़ाई में, और मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप आए कढ़ाई जरूर खाएं। बॉस हमने आज कढ़ाई एक्स्ट्रा मंगवाई है कि यार एक किलो कढ़ाई दो। हालांकि अभी हमने बारबेक्यू भी लगवाया, तो बारबेक्यू के साथ साथ आज हमने कढ़ाई भी लगवाई है और दूसरी भी, अभी हमारे और भी बार ग्रिल लाए थे हमारे, तो इन्होंने कढ़ाई पहले दे दी क्योंकि ये जल्दी बन के आ गई है, तो हम इसको लपेटते हैं भाई। ओए हो हाँ यार, अभी खा लें, मैंने भी बता वही मज़ा जो मर्ज खा गए हैं माशाल्लाह। अभी ये शफीक भाई ट्राई करें, और ये ईरानी पापलेट, ये भी ग्रिल्ड है, हर चीज हमने ग्रिल्ड करवाई है। ये प्रॉन्स, अच्छा ये गलत जगह पे रख रहे हैं हम, अभी आप देख रहे होंगे कि ये माशाल्लाह कढ़ाई, इससे पहले भी जो कढ़ाई आई थी ना असल में गलती से हमारे पास किसी और की आ गई थी, तो उनको जाके फिर अकोमोडेट किया है, फिर हमारी कढ़ाई आई है, तो ये है हमारी वो कढ़ाई। अब मैं चखता हूँ भाई, तुम लोग चख चुके हो। बिस्मिल्लाह, ओए होए, आए होए, गर्मा गर्म, ये देख रहे हो, सर कढ़ाई को रीडिफाइन कर दिया इन लोगों ने, मज़ेदार है। जो मैं कह रहा था मिर्चें, वो ये होती है मिर्चें मसाले वाली, थोड़ी सी पापलेट ये ज़रा हम लगाएंगे, ये ईरानी पापलेट, ईरानी पापलेट, ये ईरानी पापलेट आप देख रहे हैं, सही है। बिस्मिल्लाह, ये डाला हमने थोड़ा सा इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। मतलब जो वाइट पापलेट है ना वो ज़्यादा बेटर आई थी, उससे थोड़ी सी है। हाँ सब चीज़ें मैं एक एक करके मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाय हाय भाई, उम्दा। जो भी टेबल पे सजा हुआ है, रश आपको बता रहा होगा कि टेस्ट दे रहे हैं जब भी रश है। मेरा ख्याल है एक दफा आपको भी ट्राई करना चाहिए। शफीक भाई का हमला वंस अगेन कढ़ाई के ऊपर। शफीक भाई हल्का, शफीक भाई हम दो बंदे हैं, तो दो बंदे और हम तीन बंदे, आप अकेले ही काफी हो वैसे तो। जबरदस्त बनी हुई है बाबा, जवाब मेरा स्टार्ट तो बाबा पहले ही कर दिया था बगैर किसी का वेट करे। बात बता दूँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने खाई थी ना ये, तो मुझे लिटरली ये लग रहा था इन्होंने तुक्का मार दिया, इतना अच्छा टेस्ट। तो मैं थोड़े दिन के बाद दोबारा आया खाने, तो वही सेम टेस्ट, मतलब कि इन्होंने टेस्ट भी जो है ना मेंटेन रखा हुआ है। लाजवाब लाजवाब, कढ़ाई तो कढ़ाई, फ्लेवर बहुत ऐड है, फुल जूसी। ये रूखे गोश्त की तलाश थी जो मैं आपको बता रहा था ना पहले। मैं अभी बता रहा हूँ ये फिश, अगर ये बोल रहे हैं रूखे गोश्त की तलाश थी, ये फिश अगर इसको पूरी दे दी जाए ना खाने के लिए, मैं खाया ये इतनी सी खा के छोड़ देगा, सिर्फ और सिर्फ इसका नदीदा बना और कुछ नहीं। अरे भैया, वो कहते हैं ना कि यार पेट भर गया मगर नियत नहीं भर रही, और यही कोई माजरा है अभी हमारा। माशाल्लाह बड़ा उमदा खाना था। आप भी कभी चक्कर लगाए फैमिली के साथ हसन स्क्वायर, बिल्कुल ऑपोजिट सिविक सेंटर, यहाँ पे और भी बहुत सारे फिश के स्टॉल हैं। यहाँ पे कल्चर फिश था जो हम ट्राई कर रहे थे, और अक्सर मैं अपनी फैमिली के साथ भी आता हूँ, गाड़ी में भी बैठ के कभी कभार हम लोग खा लेते हैं, कभी ऐसे भी खा लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा। सर्दी चल रही है और यही सीजन होता है ज्यादातर लोग सी फूड खाते हैं, सी फूड तो पूरा साल ही आप खाएं, बट ये कुछ एक सीजन होता है जिसमें ज्यादातर लोग का रुझान जो होता है ना वो सी फूड की तरफ होता है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, और भी कोई बहुत सारे भी पॉइंट बचे हुए, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शफीक भाई कुछ कहेंगे? जो कुछ बोला भाई ने बोले। ओके भाई, खुदा हाफिज़, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।